हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इग्नू ने अपना जनवरी 2020 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं री रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको ये करना कंपलसरी होता है। अगर आपने जनवरी 2019 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया था तो आपको ये री रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। या फिर अगर आपने किसी बैचलर डिग्री में एडमिशन ले रखा है और जनवरी 2019 में आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था, तो फिर अब जनवरी 2020 के लिए आपको थर्ड ईयर के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन उन सभी को करना होता है जो एलिजिबल हैं, और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, एग्ज़ाम दे दिया या नहीं। तो री रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होता है। तो री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर 3 लाइन बॉक्स पे क्लिक करके रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको री रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर नीचे आपको दिख जाएगा जो इसकी लास्ट डेट है वो कब है। री रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन फॉर जनवरी 2020 सेशन, और जो लास्ट डेट है वो इसकी है 30th नवंबर 2019। फिलहाल 30th नवंबर है, हो सकता है बाद में इसको एक्सटेंड भी करा जाए। तो यहाँ पर कुछ जनरल स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म फिलिंग स्टेप्स पर जब आप जाएंगे, यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले आपको अपना कोर्स चूज़ करना है, फिर एनरोलमेंट नंबर या यूज़र नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन हो जाएगा, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स वगैरह चूज़ करने हैं। जिस भी ईयर में आप जा रहे हैं उस ईयर के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको चूज़ करने होते हैं। फिर अपनी सारी डिटेल्स सेव करनी होती है और नेक्स्ट बटन पर जाकर कन्फर्म करना होता है। फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि सारी डिटेल आपने चेक कर ली हैं, तो उस ऑप्शन पर आपको टिक करना होता है। फिर आपको पेमेंट के लिए चले जाना होता है। पेमेंट ऑनलाइन ही होगी, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट बटन का। नेक्स्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जिसको आपको स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट लेकर रख लेना है फ्यूचर पर्पज़ के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर अभी भी ये डाउट रहता है कि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो ये डाउट आपका क्लियर कैसे होगा? जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, तो यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले कोर्स सिलेक्ट करना है, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और जो इनरोलमेंट नंबर है आपका वो एंटर करना है, और आपका जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो एंटर करना है। उसको कोड करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन। तो आपको अगर फिर भी इस वीडियो में समझ नहीं आता हो कि कौन कौन एलिजिबल है री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई। इसके अलावा जो आपकी प्रोस्पेक्टस है 2019 जिस भी ईयर में आपने एडमिशन लिया था, उस ईयर की जो प्रोस्पेक्टस है वो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा री रजिस्ट्रेशन करने से पहले। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वारीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।